गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हमारे पास सेंट बर्नार्ड की पपीज हैं और ये डबल कोट के बहुत हेल्दी और हेवी बोन के बच्चे हैं, ठीक है। और बहुत नॉमिनल प्राइस है, जल्दी इस रेंज में बच्चे नहीं आते हैं क्योंकि गर्मी है और जिनके यहाँ पपीज हुए थे उनके यहाँ 3 सेंट बर्नार्ड की फीमेल्स ने एक साथ बच्चे दे दिए हैं, तो उन्होंने अपना रेट थोड़ा सा डाउन किया है, तो आप लोगों को भी अच्छे रेट में मिल जाएगा। ये 22,000 का मेल है और 20,000 रुपये में फीमेल है। हमारे पास टोटल 9 बच्चे हैं अभी, तो आप में से जो भी ये पपीज लेना चाहें आप देख सकते हैं प्रॉपर इनका फेस काफ़ी खूबसूरत चेहरा है इसका, पॉज इसके काफ़ी अच्छे हैं, मार्किंग बड़ी अच्छी है इन दोनों बच्चों की अगर आप देख सके तो, ठीक है। अब आते हैं स्पेसिफिकेशन पे, सेंट बर्नार्ड की पहचान पे। हालांकि सेंट बर्नार्ड में कोई मिक्सिंग हो नहीं सकती क्योंकि ये बड़ी यूनिक ब्रीड है, बट फिर भी करने वाले कुछ भी कर देते हैं आजकल, तो एक छोटा सा क्वालिटी चेकिंग अगर मैं बात करूं, क्वालिटी चेक की, फेस शुड बी ब्रॉड, चेहरा ब्रॉड होना चाहिए। और कई लोग एप्पल शेप के सेंट बर्नार्ड खोजते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए बॉक्स फेस शेप है इसका, बॉक्सिंग आ रही है यहाँ पे, एक चौकोर पोजीशन बना रहा है इसका मजर, और ये काफी लटका हुआ सा है, ठीक है। तो मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छे लगते हैं, अगर आपको लंबे मुंह वाले अच्छे लगते हो तो वो आपका अपना पर्सनल व्यू हो सकता है, वो भी अच्छे होते हैं, मुझे ऐसे फेस वाले बच्चे ज्यादा क्यूट लगते हैं। और पॉज देखिए, अगर आप देख सकते हो कि मेरी 3 उंगलियों के जितना मोटा एक उंगली है इनकी, और ये काफी ब्रॉड पॉज है इनके। कलर कोड काफी अच्छा है, हेयर काफी स्मूथ है, ठीक है। टेल इनकी हल्की सी कर्ल होती है, कभी कभी नहीं भी होती है, और जब ये खड़े होते हैं तो इनका पोजीशन लगभग कुछ ऐसा आता है। क्या हुआ, ये बहुत हम्बल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होते। आप इन्हें घर में रख सकते हैं, फ्लैट में रख सकते हैं, क्योंकि ये ओबीडियंट होते हैं, तो छोटी जगहों पे भी थोड़ा बहुत ये रह सकते हैं। अब इनको छोड़ते हैं और इनको खेलते हुए आप देखेंगे। और इन सारे बच्चों को इवन आप खेलते हुए देख लीजिए, ये बहुत फ्रेंडली है, बहुत आराम से खेलते हैं। एक ये देखिए, हमारे पास यूनिक बच्चा है, इसकी मार्किंग थोड़ी लाइट, इसमें व्हाइट शेड ज्यादा है, तो ये भी एक अलग सा कलर है, तो इन्हीं के भाई बहनों में से ये भी है, और बड़े ही प्यारे हैं। ये छोटा वाला तो सबसे प्यारा है, सबसे छोटा लेकिन सबसे ज्यादा शरारती, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं, काटते हैं एक दूसरे को, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्या भाई। तो सेंट बर्नार्ड रखें घर के लिए, बहुत अच्छी ब्रीड है, बड़े फैमिलियर होते हैं, बहुत मासूम होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। कई लोगों की मिथ है कि दे कैन नॉट रन, सो लेट मी टेल यू वन थिंग, दे कैन रन। इनकी बहुत अच्छी स्पीड होती है, 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है जब ये दौड़ते हैं, क्योंकि यूपी बिहार झारखंड या MP जैसे शहरों में गर्मियां बहुत पड़ती हैं, तो ये बहुत खुश नहीं रहते क्योंकि ये ठंडी के डॉग्स हैं, अधिकतर ये बर्फ वाली जगहों पे पाए जाते हैं, तो बहुत गर्मी में ये बहुत तेजी से नहीं भाग पाते क्योंकि आपके हमारे शहर में गर्मी बहुत पड़ती है। अगर आप जम्मू कश्मीर या ऐसी जगहों पे रखें, मेरा पैंट क्यों काट रहे हो तुम छोटू, ये मेरा पैंट काट रहा है, तो ऐसी जगहों पे ये बहुत खुश मिजाज होते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं। तो अगर आप इन्हें दौड़ा रहे हैं, ये नहीं दौड़ना चाहते, तो आप समझिए वेदर इफेक्ट है, मौसम की वजह से, गर्मी की वजह से ये दौड़ना नहीं चाहते, अदरवाइज दे कैन रन वेरी गुड, दे आर वेरी गुड रनर्स ऑल्सो। तो ये थी जानकारी सेंट बर्नार्ड के बारे में। आपका सौरभ आपके साथ, थैंक यू सो मच।